हेलो दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। द परफेक्ट स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज किस क्लास में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बीएड सेकंड सेमेस्टर के पेपर सेकंड, और पेपर सेकंड का आपका नाम क्या है? तो शैक्षिक तकनीकी एवं आईसीटी। मैं अपने हर क्लास में आईसीटी का फुल फॉर्म बताता हूँ, तो इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी सूचना संप्रेषण तकनीकी। तो आपके पूरे पेपर का नाम क्या हो जाएगा? तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी शैक्षिक तकनीकी एवं सूचना संप्रेषण तकनीकी आपके पूरे पेपर का नाम है। देखो, पेपर का नाम बताने के पीछे रीजन ये रहता है ना कि हम तो बीएड करके आगे की क्लास में चले जाएंगे, पर हमें पेपर का नाम ही नहीं पता होगा कि हम कौन कौन सा पेपर पढ़ें। तो मैं यहाँ पढ़ाऊँ चाहे कहीं भी पढ़ाऊँ, मैं सबसे पहले पेपर का नाम बच्चों को अच्छे से बता देता हूँ कि भैया हम किस पेपर को पढ़ रहे हैं। ठीक है, देखो इसी तरीके जब हम फर्स्ट सेमेस्टर में क्लासेस को ले रहे थे, तो अब आधा से ज़्यादा बच्चों को मुझे उम्मीद है कि चारों पेपर के नाम याद हो गए होंगे जो फर्स्ट सेमेस्टर में, इतनी बार मैं उन नाम को ले लिया था, नाम को बता दिया था। देखो, आज की जो हमारी क्लास है वो 8 नंबर की क्लास है। इसके पहले 7 क्लास बिल्कुल बेसिक से मैं कंप्लीट करा चुका हूँ। तो जो बच्चे द परफेक्ट स्टडी पर नए हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जाके उन क्लास को एक बार अच्छे से आप देखो और समझो, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करो और अपने एग्जाम में अच्छा करके आओ। ठीक है, चलो। यदि आप वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हो, या फिर आप महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय जो आपका नया बना है, यूनिवर्सिटी जो नई बनी है जो आजमगढ़ में स्थित है, या फिर किसी अन्य यूनिवर्सिटी से भी बीएड कर रहे हो, बस आपका कंडीशन यह कि सिलेबस का पाठ बहुंद्रीय अनुदेशन है, तब आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो तो इन क्लास को देख सकते हो। और महाराजा सुहेलदेव और वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के लिए क्लास तो इंपॉर्टेंट है ही है। चलो, आज की जो हमारी टॉपिक है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम क्या है? बहुइंद्रिय अनुदेशन, मल्टी सेंसरी इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ इसी से रिलेट करते हुए एक और टॉपिक है, एडगर का अनुभव त्रिकोण। देखो, जो हमारी बहुइंद्रिय अनुदेशन कहने का मतलब है, जो हम इसमें बात करेंगे हमारी ज्ञान इंद्रियां, जो भी हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं उनकी बात करेंगे। एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करो कि सर ज्ञान इंद्रियां कितने प्रकार की होती हैं। अभी के अभी कमेंट सेक्शन में कमेंट करो कि ज्ञान इंद्रियां कितने प्रकार की होती हैं, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ उन्हीं ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से ही हम लोग आगे बढ़ते हुए एडगर के अनुभव त्रिकोण को समझेंगे, जो आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में सीधे यहां से क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि एडगर का अनुभव त्रिकोण की एक तरीके से बनाओ, उनको प्रदर्शित करो। ठीक है, चलो। तो क्लास आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो पूरी क्लास को बहुत ध्यान से बहुत पेशेंस देखो, और उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत इंद्रियों के जो आपकी ज्ञान इंद्रियां हैं उनके कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर दिए हैं। चलो, आओ आगे हम लोग बढ़ते हैं मेरे भाई। आगे बहुइंद्रिय अनुदेशन में मल्टी सेंसरी इंस्ट्रक्शन में हम लोग पढ़ते हैं। देखो, इसमें हमको पढ़ना क्या रहता है, जो बहुइंद्रिय अनुदेशन में जो हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं, एक बालक की जो ज्ञान इंद्रियां हैं, देखो ध्यान से सुनना। कई मनोवैज्ञानिक ये मानते हैं कि मौखिक शिक्षण विधि द्वारा, मौखिक मतलब एक क्लास में जो एक अध्यापक व्याख्यान विधि द्वारा कुछ सिखा रहा है, उससे ज़्यादा बालक मौखिक विधि से ज़्यादा बालक कोई चीज़ देख के, कोई चीज़ सुन के, कोई चीज़ महसूस करके, कोई चीज़ क्रियाकलाप करके ज़्यादा सीखते हैं। तो जो बालक अपनी ज्ञान इंद्रियों का उपयोग करके कोई चीज़ अगर सीख रहे हैं तो उनके ज्ञान का स्थायित्व हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं ये समझे होंगे, और यही बहुइंद्रिय अनुदेशन का मेरे भाई एक तरीके से कहते हैं कि विशेषता भी है। इसमें बालक स्वयं कोई चीज़ को प्राप्त करते हैं, कोई चीज़ खुद से स्वयं महसूस करके, देख करके, सूंघ करके सीखते हैं, एक तरीके से स्वयं कोई क्रियाकलाप करते हुए अधिगम को प्राप्त करते हैं। अब देखो, जो आपकी इंद्रियां हैं उनका अनुदेशन पर क्या प्रभाव पड़ता है? अच्छा, कुछ बच्चे कहेंगे अनुदेशन सर क्या होता है, इंस्ट्रक्शन। इसके पहले शायद हम लोग की एजुकेशन टेक्नोलॉजी जो आपका सेकंड पेपर है उसके 3rd या 4th क्लास में हम लोग अनुदेशन को, अभिक्रमित अनुदेशन को अच्छे से कवर किए थे। तो जो आपका अनुदेशन होता है इसका अर्थ होता है निश्चित निर्देश। ठीक है, एक तरीके से निश्चित निर्देश दिया जाए, तो जो आपकी इंद्रियां हैं उनका एक निर्देशन पर क्या प्रभाव पड़ता है, बालकों को सीखने में उनका क्या योगदान रहता है, जो आपकी इंद्रियां हैं उनका हम लोग बात करेंगे। तो देखो, जो बालक की 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, तो सबसे फर्स्ट है आपकी आँख, उसके बाद आपके आपके नाक, उसके बाद आपके कान, उसके बाद आपकी जीभ, उसके बाद आपके त्वचा। ये बालक की मेरे भाई ज्ञान इंद्रियां होती हैं। सबका एक तरीके से जब इन सबको मिला जुला उपयोग हम करते हैं, तभी एक तरीके से संपूर्ण अधिगम की प्राप्ति होती है। देखो ध्यान सुनना, एक दूसरे के बिना ये सब अधूरे हैं। अब ध्यान से एक बात सुनो, अगर कोई चीज़ आप आँख से देख रहे हो, अगर कान से सुन नहीं रहे हो, तो एक तरीके से वो मेरे भाई अपूर्ण अधिगम कहलाएगा, चीज़ों को ज़्यादा आप नहीं सीख पाओगे। उसी प्रकार महसूस करना भी इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपकी आंखें बंद कर दिया, आपके नाक भी बंद कर दिया, वैसे नाक नहीं बंद किया जा सकता, आप सांस नहीं ले पाओगे। मान लो एग्जांपल के तौर पे हम लोग आपके नाक भी बंद कर दिए, आपके कान भी बंद कर दिए, उसके बाद अगर मैं आपके हाथ पे बर्फ का टुकड़ा रखूं तो आपको पता चल जाएगा, अरे सर ये तो बर्फ का टुकड़ा है, बहुत ज़्यादा ठंडा है। तो आप कोई चीज़ महसूस करके, आप कोई चीज़ मेरे भाई महसूस करके भी सीख सकते हो। उसी प्रकार कोई चीज़ सूंघ के भी सीख सकते हो। घर में अगर कोई अच्छी चीज़ बनी है तो आप उसको सूंघ के भी जान जाओगे कि हाँ अच्छी चीज़ बनी है। तो ज्ञान का अर्जन हमें 5 ज्ञानेंद्रियों द्वारा होता है, आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा द्वारा होता है। ये उम्मीद करते हैं इतना आप लोग समझे होंगे। और ये ज्ञानेंद्रियाँ
नंदिया का काम बालक को उत्तेजित करना होता है। कहोगे सर जी बात तो सही, एक्सप्लेन करो। देखो जो ज्ञानेंद्रियां होता है उनका काम बालक को एक तरीके से एक्साइटेड, एक तरीके से उत्तेजित करना होता है। अब कैसे मैं कहूँगा, देखो हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े थे अधिगम के बारे में, और ये पढ़े थे अधिगम तब तक संभव नहीं है जब तक बालक के अंदर उत्तेजना ना आ जाए। ठीक है, बालक क्लास में एक तरीके से प्रोएक्टिव ना हो जाए, ज़्यादा एक्टिव ना हो जाए, तब तक अधिगम की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। अब आप यहाँ पढ़ा रहे हो मान लो कोई चीज़, और अध्यापक यहाँ जो स्टूडेंट यहाँ पे सो रहे हैं, तो कुछ चीज़ अधिगम की प्राप्ति होगी नहीं। सबसे पहले उनको उस टॉपिक के प्रति उत्तेजित करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैं कोई क्लास आके पढ़ाने आता हूँ, सबसे पहले बताता हूँ पेपर का नाम, उसके बाद कौन सी टॉपिक पढ़ेंगे, आपको एक तरीके से उत्तेजित कर देता हूँ, उस टॉपिक से आपको रिलेट करवा देता हूँ, तब आप ज़्यादा सीख पाते हो। तो यही काम ज्ञानेंद्रियों का होता है कि आपको अधिगम करने के लिए एक तरीके से उत्तेजित कर देती हैं, और यही बहुइंद्रिय अनुदेशन का एक तरीके से उद्देश्य भी होता है। उम्मीद करते हैं इतना डीप में जाने के बाद आपको पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। और देखो ये उत्तेजनाएं भी पांच प्रकार की होती हैं। जो आपकी ज्ञानेंद्रियां होती हैं वो तो उनका काम होता है कि बालकों को उत्तेजित करना, सीखने के लिए मोटिवेट करना, ठीक है, एक तरीके से आपके अंदर एक्साइटेडपन उत्पन्न करना। तो जो ये उत्तेजनाएं भी पांच प्रकार की होती है, सबसे पहले कौन सी उत्तेजनाएं होती है, जो आंख आपकी उत्तेजित कब होगी, जब प्रकाश आपके सामने आएगा। ठीक है, तो आंख की उत्तेजना कब होगी, जब आपके सामने प्रकाश आएगा। कान की उत्तेजना कब होगी, जब आपके सामने कोई आवाज़ आएगी। जैसे आप मान लो अभी बाइक से जा रहे हो, मैं पीछे से बुला दिया हेलो, तो आप कैसे, आपका कान बिल्कुल टाइट हो जाएगा कि हाँ किसी ने बुला दिया। तो जो आपका कान कब उत्तेजित होगा, आपकी आवाज़ द्वारा, किसी की आवाज़ द्वारा। उसके बाद नाक की उत्तेजना कब होगी, गंध द्वारा। जीभ की उत्तेजना स्वाद द्वारा, और त्वचा की उत्तेजना हमारी स्पर्श द्वारा होती है। और इस तरीके से मेरे भाई हम कोई चीज़ सीखते हैं, और ये बहुइंद्रिय अनुदेशन का एक तरीके से मुख्य उद्देश्य है। अब उम्मीद करते हैं इतना आप लोग समझ गए होंगे, थोड़ा सा आगे भी समझ लो। बच्चे में धीरे धीरे सभी ज्ञानेंद्रियां सचेष्ट और क्रियाशील हो जाती हैं। इसी समस्त क्रियाओं को सामूहिक संतुलन एवं पूर्ण विकास की संज्ञा दी जाती है। ध्यान से सुनना, अगर संपूर्ण विकास कैसे संभव है, जब बालक इन मेरे भाई पांचों ज्ञानेंद्रियों का उपयोग करे, वरना बालक का विकास रुक जाएगा, एक तरीके से उनका अधिगम पूर्ण नहीं हो पाएगा। ये बात मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि यदि आप केवल आँख का प्रयोग करो, सुनना आप नहीं समझ पा रहे हो, आप महसूस करना नहीं महसूस करना नहीं समझ पा रहे हो, तो एक तरीके से आपका विकास एक तरीके से पूर्ण नहीं हो पाएगा। तो कहने का मतलब आपका विकास, संपूर्ण विकास कैसे संभव है, तो पाँचों ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से। और यही बात कहते हैं आपके एडगर साहब। कहोगे सर जी एडगर जी का नाम ले लिए, चलिए एडगर जी को पढ़ाइए, अब हमको समझ में आ गया कि बहुइंद्रिय अनुदेशन का कार्य क्या होता है। एक तरीके से बच्चों को उत्तेजित करना होता है ज्ञान के लिए मेरे भाई, एक तरीके से उनको उत्तेजना एक्साइटेड करना होता है। उम्मीद करते हैं इतना आप लोग समझे होंगे। अभी मैं उत्तेजित को थोड़ा सा एक और अर्थ में बताऊं कि उत्तेजित का इंपॉर्टेंस क्या होता है। थोड़ा सा टॉपिक के हट के हम लोग चल रहे हैं चीज़ों को समझने, ताकि आपका कन्फ्यूजन भी क्लियर हो जाए उत्तेजना से रिलेटेड। देखो उत्तेजना इंपॉर्टेंट क्यों होता है किसी भी क्षेत्र में, जैसे किसी भी क्षेत्र में मूल्यांकन असेसमेंट इंपॉर्टेंट होता है, परीक्षण इंपॉर्टेंट होता है, बुद्धि इंपॉर्टेंट होती है, उसी प्रकार उत्तेजना भी इंपॉर्टेंट होती है। आप किसी भी कार्य को तब तक नहीं करोगे जब तक उस कार्य के प्रति आपका जुड़ाव नहीं होगा, उस कार्य के प्रति आप उत्तेजित नहीं होगे। जैसे अभी ध्यान से सुनना, अभी मान लो यहाँ पे कोई है, आप यहाँ पे खड़े हो, यहाँ पे कोई व्यक्ति और खड़ा है, आप दोनों शांति से खड़े हो, आप बिल्कुल भी शांत हो, लेकिन जैसे ही आपको ये एक तरीके से मान लो कुछ अपशब्द बोल दिया, या फिर आपको कुछ अच्छी बात बता दिया, कुछ भी ऐसी बात बता दिया जिससे आप बिल्कुल एक्साइटेड हो गए, तब आप मेरे भाई इससे मेल मिलाप करोगे, वरना ये चुपचाप यहाँ खड़े रहेंगे, चुपचाप आप यहाँ खड़ोगे। तो उत्तेजना का भी लर्निंग में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंस रोल है। तो उम्मीद करते हैं इतना आप लोग समझे होंगे। अब थोड़ा सा हम लोग चलेंगे एडगर के अनुभव रिपोर्ट पर, ये क्या कहते हैं आपके एडगर साहब, महान एडगर साहब क्या कहते हैं इसको, आइए समझिए। इनका पूरा नाम एडगर डेल है, ठीक है, एडगर डेल जी के हम अनुभव रिपोर्ट को समझते हैं। तो उम्मीद करते हैं पहले इनके थोड़ा सा हम इसको समझाने का प्रयास करेंगे, फिर हम लोग आगे चीज़ों को समझेंगे। देखो बहुइंद्रिय अनुदेशन के लिए एडगर डेल के जो दृश्य साधनों की सहायता से अनुभव के आधार पर एक विशेष प्रकार का वर्गीकरण प्रस्तुत किए, जिसे हम लोग अनुभव का त्रिकोण की संख्या दी गई। जो ये आपके एडगर साहब है ना, ये दृश्य साधनों पे, दृश्य सभ्य साधनों पे, इसके पहले क्लास में बताया था दृश्य सभ्य संसाधन क्या होते हैं, क्लास में पढ़ा चुका हूँ। तो यहाँ पे भी देखो वो शब्द का उपयोग हो रहा है, जो हम देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, उन सब साधनों की सहायता से जो एडगर साहब है एक वर्गीकरण प्रस्तुत किए, जिसे हम कहते हैं अनुभव का त्रिकोण। ठीक है, हमारे जो एक्सपीरियंस है उनके त्रिकोण हम इनकी बात करेंगे। अब इसको आओ समझाते हैं इनका क्या त्रिकोण है, अनुभव का त्रिकोण क्या है, इसको डायग्राम के माध्यम से समझते हैं, तब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। देखो पहले तो काम करो, इसका स्क्रीनशॉट लो, चलो पहले ये शांत चित्तक मेरे भाई स्टिल पिक्चर तक इनका एक तरीके से पहले स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, चलो आपको 3 सेकंड का मैं समय दूंगा, 3 सेकंड का आपको समय दूंगा, 1 2
अब उम्मीद करते हैं आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब थोड़ा सा आगे वाला स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ पे चलचित्र से मोशन पिक्चर से ले लो, 3 सेकेंड दूंगा, 1 2 3। अब उम्मीद करते हैं इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। ठीक है, चलिए अब जो है कि आपका एडगर डेल के अनुभव त्रिकोण को समझते हैं। तो सबसे पहले जो इनका त्रिकोण में आता है वो मेरे भाई ये कहते हैं कि बालक अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा तो सीखता है। ध्यान सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताने जा रहा हूँ, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा एडगर डेल जी का। और अपने एग्जाम में ऐसे अगर पूछ दिया कि एडगर डेल के अनुभव त्रिकोण की विवेचना करो तो पूरा डायग्राम बना के आना, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आप सभी बच्चों से। देखो एडगर डेल साहब कहते हैं ना कि बच्चे जो कुछ भी होते हैं वो अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा सीखते हैं, यानी वो खुद से अनुभव करते हैं, खुद से निरीक्षण करते हैं, खुद से महसूस करते, खुद से देखते हैं। तो ये एडगर डेल्स है, तो उनको जो भी वो बातें कहते हैं ना उनको एक वर्गीकरण में उनको एक तरीके से समेट देते हैं। तो फर्स्ट वो कहते हैं कि बालक जो कुछ भी सीखता है ना वास्तविक कृत्रिम अनुभव से, यानी कि जो अपनी बहु इंद्रियों द्वारा कुछ सीखता है वास्तविक अनुभव, कोई भी कार्य करेगा, कोई भी प्रोजेक्ट करेगा, अपने अपने जो भी उसका सामाजिक जीवन है उनको एक तरीके से निरीक्षण करेगा, परीक्षण करेगा, एक तरीके से सर्वेक्षण करेगा उनका, तो ये वास्तविक कृत्रिम अनुभव हो गया। ठीक है, देखो जो भी उसके एक्सपीरियंस है वो रियल होंगे। ठीक है, उसके बाद सेकेंड आयोजित, ध्यान सुना, जो आयोजित कृत्रिम अनुभव हैं ये क्या होते हैं, देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो जो भी वस्तुएं रहती हैं उनके सामने बालक को एक मॉडल प्रस्तुत किया जाता है। ध्यान समझना, देखो सबसे पहले जो बालक है वास्तविक कृत्रिम अनुभव में कुछ अपना खुद क्रियाएं करता है, कुछ देखता है, कुछ क्रिया करके किसी का खुद से परीक्षण करता है। लेकिन जो आयोजित, यहाँ पे नाम ही लिख गया कि ना आयोजित कृत्रिम अनुभव, बालक के सामने कोई एक चार्ट, कोई एक मॉडल दे दिया जाएगा। जैसे अब मान लो कोई एक चित्र दिखा दिया, मैं भारत का नक्शा दिखा दिया, तो ये आयोजित हो गया ना कि भारत का नक्शा दिखा के बालक उसको देख के मेरे भाई कुछ अनुभव कर रहे हैं, उस हिसाब से सीख रहे हैं। उसके बाद सेकंड अभिनय करना, ध्यान सुनना अभिनय क्या होता है, ड्रामेटिक क्या होता है, इसको समझो। देखो अभिनय करना, जब भी बालक कुछ सीखेगा कोई ना कोई एक तरीके से फंक्शन में भाग लेके सीखेगा, कोई ना कोई एक क्रिया करते हुए सीखेगा। जैसे अभी मान लो हम लोग राजा हरिश्चंद्र जी का एक तरीके से नाटक कर रहे हैं, तो बालक उसमें ईमानदारी सीख जाएगा। 15 अगस्त 26 जनवरी के दिन मान लो हम कोई बालक भगत सिंह बना है, कोई यहाँ पे चंद्रशेखर आज़ाद जी बने, तो अभिनय करके कोई चीज़ सीखेंगे। उसके बाद प्रदर्शन, ध्यान से सुनना, प्रदर्शन में क्या होगा, जो आपके अध्यापक होते हैं वो अपने स्टूडेंट को कुछ ना कुछ सिखाते हैं, कोई ना कोई सिद्धांत का प्रयोग करके दिखाते हैं, एक तरीके से प्रदर्शन करते हैं, उसके हिसाब से सीखते हैं। उसके बाद भ्रमण, अब इसके बाद आप तो खुद से चीज़ों को जान जाओगे, बस इम्पॉर्टेंट ये थी, इसको समझाने की बात थी यहाँ पे, 3 चीज़ों को, वास्तविक कृत्रिम अनुभव, आयोजित, उसके बाद अभिनय करना, प्रदर्शन करना, उसके बाद भ्रमण। हम सबको पता है कि जैसे भी हम लोग फील्ड ट्रिप पे जाते हैं, इसके पहले भी हम लोग साइंस के भ्रमण पढ़े थे, जब फिजिकल साइंस पेडागोजी पढ़े थे, तो भ्रमण क्या होता है, जो कुछ हम घूम फिर के कोई चीज़ें सीख रहे हैं, कहीं जा रहे हैं कोई टूरिस्ट वगैरह पे, वहाँ पे जाके सीख रहे हैं। उसके बाद प्रदर्शन सामग्री, हम एक तरीके से प्रदर्शन सामग्री हम ये कह सकते हैं कि जो कुछ भी एक तरीके से कई वस्तुएं हमारे सामने आ जाती हैं, अपने बेस पे, अपने नॉलेज के बेस पे उन चीज़ों को हम देख के समझ के सीखते हैं, तो वो प्रदर्शन सामग्री के माध्यम से सीखते हैं। उसके बाद चलचित्र, मोशन पिक्चर हो गया, शांत पिक्चर हो गया, तो कोई भी चित्र, कोई भी मेरे भाई तरीके से डायग्राम, कोई भी मैप वगैरह देख के हम सीखते हैं। और रेडियो प्रसारण क्या हो गया, जो भी हम न्यूज़ वगैरह सुनते हैं एक तरीके से सुन के सीखते हैं, हमारे यहाँ पे कान का प्रयोग हो रहा है ज्ञानेंद्रियों का। उसके बाद दृश्यात्मक संकेत, एक तरीके से जो भी टीवी में बिना आवाज़ के कोई चीज़ें आती हैं, मान लो कार्टून वगैरह बच्चे देखते हैं बिना आवाज़ के, तो वो दृश्यात्मक संकेत हो गए, उससे हम लोग सीखते हैं। उसके बाद जो मौखिक संकेत हैं, ये क्या हो गए, जो हमारे क्लास में जो हमारे अध्यापक साहब पढ़ाते हैं कोई चीज़ मौखिक द्वारा, हमें कोई चीज़ सिखाते हैं, तो ये क्या हो गया मेरे भाई, मौखिक संकेत हो गया। उम्मीद करते इसे भी समझे होंगे। और जो इम्पॉर्टेंट है वो दृश्यात्मक संकेत भी होते हैं, जो क्लास में अध्यापक साहब ब्लैक बोर्ड वगैरह पे कुछ लिखते हैं, कोई चीज़ हमें दिखाते हैं, और ये प्रत्येक विषय के लिए इसका उपयोग होता है दृश्यात्मक संकेत का। अब कहोगे सर जी इतना तो समझा दिए, अब इसका निष्कर्ष बताओ, आ जाओ। देखो इसमें मैं एक यहाँ पे एक लाइन लेके चलूंगा, अपने एग्जाम में भी ऐसे लिखना, यहाँ पे देखो ऊपर से नीचे की ओर जाना, ऊपर नीचे का मतलब देखो ध्यान से समझना, जो नीचे वाला है उसे हम सबसे प्रभावशाली मानेंगे। कहने का मतलब है जो चीज़ें हम खुद से कोई चीज़ करके सीख रहे हैं वो ज़्यादा प्रभावी होगा। और लास्ट में क्या है, मौखिक है, लास्ट में आपका मौखिक संकेत सबसे ऊपर वाले में। देखो ध्यान से समझना, यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको स्मॉल करूँ, यहाँ पे ये छोटा तो नहीं हो पाएगा,
पर जो आपका मौखिक वाला है ना, ये इसको हम सबसे कहते हैं कि ये सबसे निम्न कोटि का होता है, बच्चे इसमें कम सीख पाते हैं। लेकिन जो आपका वास्तविक कृत्रिम अनुभव होता है, जो आपका रियल एक्सपीरियंस होता है, उनसे बालक ज़्यादा सीख पाते हैं। तो ये ऊपर से नीचे की ओर इनको मेरे भाई मेंशन कर सकते हो, यानी कि ये बढ़ते हुए क्रम में ऊपर से नीचे जाओगे, यानी ये बढ़ते हुए क्रम में इनको दिखा सकते हो कि नीचे जाते जाते आपका प्रभुत्व ज़्यादा बढ़ जाता है, वास्तविक कृत्रिम अनुभव से आप ज़्यादा सीखोगे। ये एडगर डेल के अनुभव त्रिकोण है, उम्मीद करते समझोगे। अब इनके निष्कर्ष को समझो। देखो ध्यान समझना, जो एडगर त्रिकोण का विवरण जो है, इस कोण में सबसे नीचे जो प्रत्यक्ष तथा सार्थक अनुभव को सम्मिलित किया गया है, ये अनुभव सबसे प्रबल माने गए हैं। ध्यान समझना, ये जो आपका अनुभव है मेरे भाई, सबसे इनको प्रबल माना जाता है कि जो बच्चे, जो एडगर साहब कहते हैं, जो बच्चे वास्तविक जो रियल एक्सपीरियंस होते हैं उनसे ज्यादा सीखते हैं। उसके बाद ध्यान समझना, इन अनुभव को प्रदान करने के लिए दृश्य शब्द साधनों का विवरण दिया गया है। जितने भी आप यहाँ पे चीज़ें समझे हो, ये सब दृश्य शब्द सामग्रियाँ ही तो हैं। देखो यहाँ पे आप कोई चीज़ देख रहे हो तो ये दृश्य हो गई, यहाँ पे रेडियो, ये श्रव्य हो गए, तो ये सब इन सब चीज़ों का यहाँ पे प्रयोग किया गया दृश्य शब्द साधनों का एडगर के त्रिकोण में। अब देखो, जो मौखिक शब्दों का प्रभाव सबसे कम तथा प्रत्यक्ष साधनों का प्रभाव सबसे अधिक होता है, ये नोट पॉइंट करके कहीं अपने एग्जाम में भी लिखिएगा, और जहाँ नोट मेंटेन कर रहे हो वहाँ भी, वरना जो द परफेक्ट स्टडी का नोट्स है उसमें तो सारी चीज़ें है ही हैं। उसके पहले मैं एक चीज़ और बता दूँ कि अभी तक जो बच्चे ये कह रहे थे कि सर जी ध्यान सुनना, सर जी कुछ नोट्स में क्या होते हैं कि पेजेज कम है, तो जो बच्चे ये बात बोलते हैं, या तो वो द परफेक्ट स्टडी से दिल के साथ नहीं जुड़े, दिल का कहने का मतलब है कि सारी क्लास को अटेंड नहीं करते। देखो मेरे क्या होते हैं, जो नोट्स और जो मेरे मेरे भाई क्लास होती है, एक दूसरे से रिलेट करते हुए रहती है। अब मान लो कोई नोट्स अगर मान लो 30 पेज के हैं, तो उसमें मैं टीचिंग मेथड नहीं इंक्लूड किया हूँ, तो कहोगे सर जी काहे नहीं किया, टीचिंग मेथड इंक्लूड कर देता तो ये 45 पेज के हो जाते, तो टीचिंग मेथड मैं अलग से आपको प्रोवाइड कर दिया। शिक्षण के जो आपके पाठ्यक्रम के सिद्धांत है, नॉलेज एंड कैरिकुलम है, वो अलग से प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। दृश्य शब्द साधन है, माइक्रो टीचिंग है, वो अलग से प्रोवाइड कर दिया। देखो मैं तो सबका तो पता नहीं, पर मेरा इतना पता है कि हर टीचर का अपना अपना रूल होता है पढ़ाने का, अपना अपना एक टीचिंग स्टाइल होती है। तो मेरी स्टाइल ये है कि मैं कोई भी चीज़ को लेंदी नहीं बनाता, बिल्कुल इजी वे में समझाने का प्रयास करता हूँ। और यही टीचर का धर्म भी होना चाहिए कि अपने अपने स्टूडेंट को कम से कम मेरे भाई की एक तरीके से ज़्यादा कोई चीज़ बोझ ना लगे ऐसे सिखाओ। तो जो मेरे नोट्स है, जो क्लासेज है, कुछ आप टेलीग्राम पर भी जुड़ जाओ, जो वहाँ पर मैं कॉमन PDF शेयर करता हूँ वहाँ से उनको पढ़ लो, बाकी जो नोट्स हैं उन नोट्सों को पढ़ो, प्रीवियस ईयर पढ़ाऊँगा वहाँ से उनको पढ़ लेना, ठीक है। तो इस तरीके से पढ़ोगे तो ज़्यादा सीख पाओगे। तो एक बार द परफेक्ट स्टडी के साथ जुड़ो तो सही, ये बात होती है। और यदि आप अभी तक नोट्स नहीं लिए हो तो इस नंबर पे संपर्क करके आप भी नोट्स लेके अच्छे से आप भी पढ़ाई करो। इंग्लिश लैंग्वेज या हिंदी लैंग्वेज में चारों पेपर के नोट्स 99 रुपये में अवेलेबल हैं, तो आप इनको अच्छे से लेके पढ़िए। और यदि आप अभी द परफेक्ट स्टडी के टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, तो ये द परफेक्ट स्टडी का टेलीग्राम है, चैनल है, और डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक मिल जाएगी इसी लेक्चर के, वहाँ से इसको भी ज्वाइन कर सकते हो। यदि हमसे आप पर्सनली भी जुड़ना चाहते हैं तो आप इस आईडी पर जुड़ सकते हैं, कुछ भी डिस्कस कर सकते हैं। और एक बात, और अगर क्लास अच्छी लगे या फिर मेहनत को आप सार्थक वे में आगे बढ़ाना चाहते हैं द परफेक्ट स्टडी के, तो अपने फ्रेंड सर्कल तक तो जरूर शेयर किया करो, ठीक है। ये आपसे हम्बली रिक्वेस्ट है। चलो आ जाओ, अब नोट पॉइंट करके जो लिखे इसे समझो। देखो जो कोण, यानी जो ये है ना कोण की नोक, देखो ध्यान समझना, जो ये त्रिकोण है, जो कोण की नोक है इसकी बात कर रहा है, यानी मौखिक वाला नोक का जो नोक अथवा जो सिरा है उसका अग्रभाग मौखिक संप्रेषण को प्रदर्शित करता है। ध्यान समझना, इसका जो अग्रभाग है वो मौखिक संप्रेषण को प्रदर्शित करता है, और ये कम प्रभावशाली होता है, ये भी इसके बारे में जानते रहना, प्रदर्शित करता है। यदि हम कोण के सिरे के नीचे उड़ जाएँ तब जो अनुभव प्रभावी होता चला जाता है, और मौखिक संकेतों की अपेक्षा जो वास्तविक प्रत्यक्ष बहुत प्रभावशाली होते हैं। ये पॉइंट कहीं नोट करके आप अपने एग्जाम में एडगर के त्रिकोण को लिख देना, आपको भैया 100 में पूरे 100 नंबर मिलेंगे। टॉपिक की बात करो, ये मत कहना कि सर पेपर तो 90 नंबर का होता, नहीं, पूरे कहने का मतलब अगर टॉपिक 7 नंबर की आ रही तो 7 में 7 नंबर मिलेंगे। अगर इतने पॉइंट को आप अपने एग्जाम में लिख दिए कि जो आपका त्रिकोण है, जो आपका त्रिकोण है, जो आपका कोण है, उसके नोक अथवा जो ऊपर वाला सिरा है, जो मौखिक संप्रेषण है, यानी जो अध्यापक खुद से जो कोई चीज़ पढ़ा रहा है वो मौखिक दे रहा है, तो वो मेरे भाई प्रदर्शित करता है उसका अग्र सिरा, और उसका प्रभाव सबसे कम होता है। और जैसे आप ऊपर से नीचे की ओर आओगे, यानी जो आपके रियल एक्सपीरियंस की तरफ आओगे, ऊपर से नीचे की ओर आओगे, इनके त्रिकोण का, यानी कि जो एडगर के त्रिकोण का मेरे भाई एक तरीके से
प्रभावशाली था बढ़ती जाती है, बच्चे की सीखने की जो क्षमता होती बढ़ती जाती है। उम्मीद करते हैं पूरा एडगर के सिद्धांत को आप लोग समझे होंगे। अब आप लोग अपना ख्याल रखो, उम्मीद करते हैं ये भी टॉपिक अच्छे से खत्म हुई होगी जो कि बहुइंद्रीय अनुदेशन है, मल्टी सेंसरी इंस्ट्रक्शन है, और उम्मीद करते हैं इसको भी आप लोग समझेंगे। अनुदेशन को और अच्छे से समझने के लिए जो बच्चे नए हैं वो क्या करना, सेकेंड या थर्ड क्लास देखना एजुकेशन टेक्नोलॉजी की, आपके प्ले लिस्ट में मिल जाएगी और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये 8वीं क्लास थी, इसके पहले 7 क्लास में बिल्कुल बेसिक से कवर करा चुका हूँ। इसके बाद एक क्लास और छोटी सी आएगी, उसके बाद हम लोग शिक्षण के प्रतिमान को डिस्कस करेंगे, वो थोड़ी सी बड़ी क्लास है। उसके बाद आपका मेरे भाई एक तरीके से समझो 90% आपका सिलेबस का पार्ट कवर हो जाएगा। उसके बाद एक क्लास में हम लोग संप्रेषण और थोड़ा सा कंप्यूटर वगैरह के बारे में जान लेंगे और आपका ये एजुकेशनल टेक्नोलॉजी समाप्त हो जाएगी। चलिए, जहां भी रहिए अपना ख्याल रखिए, सेफ और सुरक्षित रहिए, और द परफेक्ट स्टडी को अपने फ्रेंड्स साथ जरूर तक शेयर करिए, और एक बार अच्छा लगे तो लाइक वाइक भी कर दिया करो। और हाँ, नोट्स लेने के इस नंबर पे आप लोग संपर्क कर लीजिएगा, ठीक है, और अपने फ्रेंडों को भी इनवाइट करिएगा कि हाँ नोट्स अच्छे हैं तो यहाँ पे पढ़ो लेके, ठीक है। चलिए, अपना ख्याल रखिए, जहाँ भी रहिए सेफ और सुरक्षित रहिए, और हाँ अपना जो भी कार्य करो पॉजिटिव वे में कार्य करते रहो, लगातार मेहनत करते रहो, सफलता जरूर मिलेगी। चलिए, अपना ख्याल रखिए।